सनी देओल को इतने सालों से एक हिट का इंतजार था और वो हिट उन्हें मिली गदर 2 के जरिए। हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? इतने सालों से वो इंतजार करते कि भाई बॉलीवुड में हिट कराने वाला एक फॉर्मूला मिल जाए, और वो फॉर्मूला उन्होंने क्रैक कर लिया। वो अपनी जो पुरानी फिल्में हैं जिनका रिकॉल वैल्यू बहुत अच्छा है, उनका सीक्वल बना दो। अब ये ट्रेंड बढ़ने जा रहा है, वो अपनी कुछ और फिल्मों के सीक्वल बना रहे हैं। कौन कौन सी है वो फिल्म, मैं आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी चार्ट। कल टीवी पर अभी जब बॉर्डर फिल्म आती है तो एक बार तो देख ही लेते हैं ना, उसकी एक अलग से फैन फॉलोइंग है ना, दिल में जज्बात तो जगा ही देती है ना। तो सनी भैया ने सोचा क्यों ना इसी का सेकंड पार्ट बना दिया जाए। इसको लेकर फिलहाल काम चल रहा है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि। पहली फिल्म की तरह बॉर्डर 2 में भी 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर की कुछ घटनाएं दिखाई जाएंगी, जिसे बड़े स्केल पर प्लान किया जा रहा है। फिल्म में सनी देओल के साथ नई पुरानी जनरेशन के कई सारे एक्टर्स को भी कास्ट किया जाएगा। अगर तुम बॉर्डर 2 के फैन हो तो तुम सनी देओल की माँ तुझे सलाम को कैसे भूल सकते हो। इसका भी सेकंड पार्ट आने वाला है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं महेंद्र धारीवाल, और तुम्हें पता है बाहुबली, बजरंगी भाईजान, इन सब की स्क्रिप्ट जिसने लिखी है विजेंद्र प्रसाद, वो ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो भाई सुनने में आ रहा है कि अरबाज खान और तब्बू को भी कास्ट किया जाएगा। मैं तो बड़ा इंतजार करूंगी वहां तुझे सलाम करो वो पुराने वाले फ्लेवर को देखने का। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बताना जरूर मुझे। भाई सबके बीच में मैं ये सोच रही हूँ कि इन मूवीज के सीक्वल बन रहे हैं तो क्या उसी फ्लेवर के साथ ये लोग डिलीवर कर पाएंगे? क्योंकि बॉर्डर 2 और माँ तुझे सलाम अगर बन रही है तो मैं उनमें गदर 2 जैसी कहानी तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती। नो डाउट मूवी ने पैसा कमाया था लेकिन कहानी में दम नहीं था। सनी पाजी हमारे फीलिंग्स के साथ मत खेलना यार। इन दो मूवी के अलावा भाई अब अजय देवगन को भी कॉपी कर रहे हैं सनी देओल। दृश्यम मूवी बनाई थी अजय देवगन ने और सनी देओल एक मलयालम फिल्म जोसेफ का रिमेक बनाने का डिसीजन ले चुके हैं। फिलहाल मूवी का नाम सूर्या है। ये क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसमें सनी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करेंगे। सनी देओल के साथ चित्रांगदा सिंह भी इस मूवी में आपको देखने को मिलने वाली है। यार पाजी ना रुकने नहीं वाले, एक मराठी फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनाने वाले हैं और बताया जा रहा है कि भाई ये फिल्म स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म बताई जा रही है। इस फिल्म को लेकर कुछ ज्यादा जानकारी नहीं आई है सामने, लेकिन सनी पाजी फिल्म जरूर बनाने वाले हैं। अब एक बात तो तुम्हें पता ही है कि जब बड़े बड़े मसले होते हैं तो भाई उन पर मूवी बनती है, तो सनी पाजी इसी बात का फायदा उठाते हैं, पता ही है आपको। अब उन्होंने सोचा कि अयोध्या और राम जन्मभूमि वाले मसले पर भी क्यों ना एक फिल्म बना दी जाए। देखो यार इस मूवी की पकने की तैयारियां चल रही हैं, क्या कास्ट होगी क्या चीजें होगी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ सनी बाजी ने डिसाइड कर लिया है कि इस पर भी एक मूवी वो जरूर बनाएंगे। सनी देओल के करियर में ये सारी मूवीज ना चार चांद लगा सकती हैं अगर इनकी कहानी में दम होगा। देखो यार मुझे एंटरटेनमेंट से मतलब है, अगर तुम देशभक्ति वाले एंगल से मूवी बना रहे हो तो उसमें भरपूर मसाले के साथ एक कहानी भी डालो यार, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिल्मी चार्ट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।